कहता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल न्यूक्लियस से बिल्कुल छुड़ा देना, ठीक है, मतलब ब्रेकअप करा देना न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन के बीच, एकदम बिल्कुल ब्रेकअप, कोई बातचीत नहीं, कोई इंट्रैक्शन नहीं, ठीक है, तो उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये जो एनर्जी होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोर है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी अब बोर, अब ये इतना है हाइड्रोजन का। कहता है आयनाइजेशन एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू बोर, द एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन थर्ड से फोर्थ में गया तो उसके लिए कितनी एनर्जी की, बोर थ्योरी, द एनर्जी हमें कितनी चाहिए थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए। तो चलो थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो इसका देखो डायरेक्ट फार्मूला भी है, अगर याद है तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें होता है -13.6, इसमें होता है -3.4, इसमें होता है -1.4, इसमें होता है -8.5, ठीक है। तो ये जो है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ऑब्वियसली देखो देखो थर्ड से फोर्थ में ट्रांजिशन थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, तो थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए या फोर्थ से थर्ड में आने के लिए बात बराबर है, थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए या फोर्थ से थर्ड में आने के लिए हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत चाहिए, डेल्टा ई, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, डिफरेंस ले लो तो -1.5 में माइनस ये मैग्नीट्यूड ले लेना ना, तो मैग्नीट्यूड ले लेना, तो बड़े वाले में से छोटे, बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दो, तो -0.85 और -1.5, तो यह आ जाएगा 0.65 या ऐसा कुछ, ये 0.66 के आसपास, ये वाली चीज़, दैट इज हमारा डी ऑप्शन मैच करा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, मान लो एग्जाम में वैल्यू भूल गए, तो थर्ड से फोर्थ की एनर्जी लिख लो फिर घटा देना, तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट में कितनी होती, -13.6 और थर्ड की एनर्जी मतलब 3 का स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या कर रहा हूँ, तो ये यहाँ से थर्ड की एनर्जी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और एनर्जी फोर्थ का लिख लेना, ये थर्ड का था, फोर्थ का लिख लेना -13.6 4 का स्क्वायर, और इसमें से इसको घटा देना, तो हमें एनर्जी थर्ड से फोर्थ में चाहिए E4 - E3 mod, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड ले लेना, इसको घटा देना, ये इतना ऑप्शन ये मैच कर जाएगा। तो ये भी एक तरीका, अगर भूल गए तो ये याद है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ये थोड़ा लेंदी है। चलो ग्राउंड स्टेट